तेजस्वी यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि हॉस्पिटल जरूरी है या राम मंदिर। कैसे जमीन नौकरी के बदले जमीन ली, अभी सब तो ईडी के जद में है कि देश की जनता ने उनको नकार दिया। क्यों देश की जनता ने क्यों नकारा? उन्होंने राम को नकारा। चाहे वो पूजा सिंगल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे मुख्यमंत्री के निजी सचिव पंकज मिश्रा हो, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, और कितने प्रेम प्रकाश, कितने पंकज मिश्रा भी लाइन लगा के खड़े हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई अब हमारे साथ हैं रांची के सांसद संजय सेठ, और ये विगत 16 वर्षों से आप नमो पतंग उत्सव आप मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार खास दिख रहा है राम मंदिर का, उस पर तस्वीर दिख रहा है। ये खास तो ये वर्ष खास तो है ही है, 500 साल का सबसे शुभ वर्ष 2024, सबसे शुभ दिन 22 जनवरी। क्यों? क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देवतुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। और आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खरमास खत्म हो गया है, आज से शुभ दिन प्रारंभ है। और आज पिछले 15 वर्षों से आज 16वां वर्ष है जब नमो पतंग महोत्सव, आज के दिन चूड़ा गुड़ दही तेलकोट कंबल वितरण करते हैं, हर वर्ष करते हैं, और पतंग उड़ाते हैं। और पतंग उड़ाकर जहां हम अपनी संस्कृति को अक्षुण रखना चाहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जन्माष्टमी नहीं भूले, इसीलिए दही हांडी प्रकृति करते हैं, होली नहीं मिले भूले, होली में होली मिलन समारोह और हास्य कवि सम्मेलन कराते हैं, दिवाली में दिवाली मिलन कराते हैं, और इसी तरह मकर संक्रांति ना भूले तो नमो पतंग महोत्सव, चूड़ा गुड़ का आयोजन, कंबल का वितरण। और आज 16 वर्ष है, आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर कोसों दूर आसमान पे उड़ रही है, हवा कम है फिर भी पतंग पूरा आसमान पकड़ी हुई है। क्यों? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भारत के विकास को देख रही है, मोदी जी आसमान छू रहे हैं, मतलब विकास आसमान छू रहा है, मतलब चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे ऐसी ऐसी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी योजनाएं भारत की आज़ादी के बाद पहली बार 9 सालों के अंदर भारत ने देखा, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति देखा, सैन्य शक्ति 4थी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति देखा, और लगातार देश दुनिया के सर्वोच्च स्थान में पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 जब आज़ादी के हम 100 साल मनाएंगे, दुनिया का सबसे बेताज बादशाह भारत होगा। आज वही पतंग प्रभु श्री राम मंदिर के, राम मंदिर की पतंग अब की बार 400 के पार, 2024 मिशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर से गगनचुंबी ये पतंगे लहरा रही है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से हम चलते हैं बिहार। तेजस्वी यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि हॉस्पिटल जरूरी है या राम मंदिर। उनको पता नहीं, तेजस्वी यादव बच्चे हैं अभी, क्योंकि भ्रष्टाचार आप देखो उनके पिताश्री ने क्या किया, कैसे जमीन नौकरी के बदले जमीन ली, अभी सब तो ईडी के जद में है। उनको पता नहीं आज़ादी के बाद जब 65 साल कांग्रेस शासन किया कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज 315, कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने अस्पताल, कितने मेडिकल कॉलेज, उनको पता नहीं। बच्चे हैं वो, बच्चे हैं, और बच्चे नहीं है सयाने, लेकिन बचपना झलकता है उनको। उनको नहीं पसंद है कि भारत दुनिया के नक्शे पे उभर रहा है, उनको नहीं दिखता कि भारत की सैन्य शक्ति बढ़ गई, उनको नहीं दिखता भारत की 4थी 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई, उनको नहीं पच रहा गांव गरीब किसान के पास विकास पहुंच रहा है। और आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, आज पूरा हिंदुस्तान मोदी मोदी कह रहा, मतलब विकास विकास कह रहा है। यहाँ भी प्रहार हुए,
लाखों में नहीं करोड़ों में रुपए बरामद हुए, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के यहाँ बरामद हुए, चाहे वो पूजा सिंगल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे मुख्यमंत्री के निजी सचिव पंकज मिश्रा हो, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, और कितने प्रेम प्रकाश, कितने पंकज मिश्रा भी लाइन लगा के खड़े हैं, और लाइन लगा के खड़े हैं कि होटवार जेल जिनका वहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स होने वाला है, आज खरमास की खात्मा हो गई है, आज से नया कहते हैं शुभ दिन प्रारंभ हो गया है, तो कोई बचने वाला नहीं। जो जो ने भ्रष्टाचार किया है, जिसने जिसने काला धन कमाया है, देश की जनता को जवाब देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, और एक एक पैसा, जनता का लूटा हुआ पैसा राष्ट्र को वापस होगा। यह है प्रधानमंत्री जी का संकल्प। आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने गलत नहीं किया, भाग क्यों रहे हो? ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो चंगुल में आएगा। अगर हम निर्दोष हैं, हमको कोई थाने बुलाया जाता है कि आप आओ सांसद संजय सेठ, तो मैं जाता हूँ, क्यों, हमने कोई पाप नहीं किया, कोई मन में पाप नहीं। जब आपने अपने पाप नहीं किया, आपने पाप में सहयोग नहीं किया, तो भय काहे का, आप जाओ। संविधान की कसमें, संविधान की शपथ ली थी ना, संविधान की शपथ याद होगी, और उस संविधान की शपथ में ये भी है, अगर एजेंसियां पूछ रही हैं, आपको जवाब देना होगा कि हाँ साहब, मैं तो पाक साहब हूँ, मैं तो हरिश्चंद्र हूँ। अगर आप हरिश्चंद्र नहीं हैं, आपने घोटाला किया है, आपने आदिवासी जमीनों को लूटा है, आपने खनिजों को लूटा है, आपके आपके सहयोगियों के यहाँ से करोड़ों करोड़ बरामद होते हैं, इवन साइन किया हुआ चेक बरामद होता है, तो भय काहे का भाई? और भय नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का सम्मान करें, कानून का आदर करें, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका आदर करें, और जल्दी से जल्दी जाकर अपना पक्ष रखें। कर चुके हैं अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया। हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है, पूरी दुनिया के लोग अयोध्या ना जाना चाहते हैं। यह 500 साल की सबसे बड़ी यात्रा है, जिसका संकल्प पूरा हुआ वो सब अयोध्या के लिए आस लगा के बैठे हैं। जो अयोध्या नहीं जा सकते, उनके लिए पूरे देश भर में, हम अपनी रांची की बात करें, रांची के गली गली मोहल्ले मोहल्ले सोसाइटीज़ में, मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगाकर भव्य राम मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम हम दिखाएंगे। और हम नहीं, आप देखो इतना उत्साह, तो हमने इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतना उत्साह कभी नहीं रहा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे भी ज़्यादा उत्साह हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। आज मीडिया की रिपोर्ट आई है कि 74% मुसलमान भाई भी इस राम मंदिर से खुश हैं कि हाँ, राम मंदिर बन गया, हम खुश हैं। राम मंदिर के बगल में एक मुस्लिम भाई का टिम्बर है, वो 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबके साथ संकल्प, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। विपक्षी दुखी हैं कि देश की जनता ने उनका नकार दिया। क्यों देश की जनता ने क्यों नकारा? उन्होंने राम को नकारा, राम के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न किया था। और अभी दुनिया ललाई थे कि 22 तारीख को आमंत्रण मिले भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम के मंदिर के लोकार्पण में, हम वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, किंतु सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी उसको नकार दी, माना तिरस्कार किया। हाँ, जिसको राम पे विश्वास नहीं, हाँ जिसपे जिसको सनातनी धर्म पे विश्वास नहीं, जिसको न्यायालय पे विश्वास नहीं, जिसको ईवीएम पे विश्वास नहीं, जिसको सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पे विश्वास नहीं, तो विश्वास एक ही परिवार पे है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक ही परिवार है गांधी परिवार, उसी पे विश्वास व्यक्त करो। नहीं, वही, वही। आपने राम को नकारा है,
देश आपको नकार करेगी, नकार देगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।